लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ टिप्पणियों से संबंधित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और उनके जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने उन्हें भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दे दी है। दरअसल पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 22 नवम्बर वाले भाषण पर आपत्ति जताई और उन्हें नोटिस जारी कर 8 सप्ताह के अंदर फैसला लेने को कहा था। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी से चुनाव प्रचार के दौरान उनके सार्वजनिक बयान में अधिक सावधान और सतर्क रहने को कहा है। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर राजस्थान में विधानसभा चुनाव में उनके भाषणों के बारे में उनका रुख पूछा था। राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाते हैं और उद्योगपतियों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जेब कतरे इसी तरह काम करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 मार्च को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है उन्हें दोबारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।